टिकटॉक की दो ऐसी नीच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग टिकटॉक से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी नीच है और ये आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार पर टाइप करना है पॉडकास्ट। तो ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारी पॉडकास्ट की वीडियो मिल जाएंगी जो भी आपको ठीक लगती है। यहाँ पे जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो लॉन्ग कैटेगरी के अंदर वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आपने उनको शॉर्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक वीडियो ले लेनी है, जैसा कि यहाँ पे मैं इस वीडियो के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ढेरों और भी वीडियोस मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छी लगती है वीडियो, आपने क्या करना है उस वीडियो के ऊपर टैप करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले जो वीडियो ओपन की है इस वीडियो को देख लेना है और उसके बाद इसका लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब मैं आपको दूसरी नीच बता देता हूं जो टिकटॉक पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं दोबारा से सर्च बार पे टैप करता हूँ तो दूसरी जो नीच है वो यहाँ पे ये है। आपने ये सर्च करनी है और ये आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपको कंटेंट्स मिलेगा वो यूके बेस के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेना है और जो आपको वीडियो अच्छी लगती है आपने उस वीडियो के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे वो वीडियो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने क्या करना है उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। दोनों आपको जो नीच बता रहा हूँ इनकी एडिटिंग जो है वो सेम टू सेम एडिटिंग है, आपको कोई ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो आपने सिंपल यहाँ से लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फुल बैक आ जाना है और अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे एक वेबसाइट है जो यहाँ पे मैंने सर्च की हुई है, तो आपने भी इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहां पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलता है, तो आपने अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। आप लोग इस वेबसाइट की मदद से किसी भी लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जो आपने लिंक कॉपी किया है वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लिंक कॉपी नहीं किया, आपके पास वीडियो है तो वो वीडियो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी किया तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके लिंक को पेस्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे आपको क्लिप का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। जब यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपकी वीडियो जिस लैंग्वेज में होगी आपने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसा कि इंग्लिश पे टैप करता हूँ और नीचे नेक्स्ट पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा क्लिप सेटिंग्स का। तो यहाँ पे आपको नीचे सेकंड्स मिल रहे हैं कि आपको कितने सेकंड्स का क्लिप चाहिए, तो आपने यहाँ पे 60 से 90 सेकंड्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे टैप करना और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने 1 से 2 मिनट यहाँ पे वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपकी वीडियो के अंदर से जितने भी क्लिप्स होंगे वो यहाँ पे कट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर 6 क्लिप यहाँ पे आपको मिल चुके हैं बिल्कुल फ्री में। 10 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर से मुझे 6 क्लिप यहाँ पे मिले हैं और हर क्लिप के ऊपर आपको टाइटल भी मिल रहा है और क्लिप यहाँ पे अलग से मिल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप इन क्लिप्स को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो क्लिप मिलता है इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग अगर देखें तो वीडियो के ऊपर आपको वाटरमार्क देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये जो वेबसाइट मिल रही है ये पेड वेबसाइट है, इसके ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, आप यहाँ से फ्री में वीडियो के ऊपर से वाटरमार्क को भी रिमूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पर ये क्लिप मुझे ठीक लगा है, इसके ऊपर ऑटो कैप्शन भी ऐड है और मुकम्मल यहाँ पर ये मुझे क्लिप मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वीडियो का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने एक्सपोर्ट पे टैप करना है और उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा और आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आपने डाउनलोड पे टैप करना है और इस वीडियो क्लिप को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी क्लिप्स आपको मिल रहे हैं आपने एक एक करके इनके टाइटल भी कॉपी कर लेना है और इन वीडियोज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से फुल बैक आना है और बैक आने के बाद अब आपने जो वीडियो डाउनलोड की थी उसके ऊपर जो वाटरमार्क था उसको रिमूव करना है। तो वो आपने कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पे ये
एक एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा और चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिमूव वाटर मार्क, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पर अगर आपको कोई ऐड मिलता है तो आपने ऐड को क्लोज करना है और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होगी, तो यहाँ से आपने उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैं इस वीडियो क्लिप के ऊपर टैप करता हूँ जिसके ऊपर वाटर मार्क है, तो यहाँ पे ये वीडियो क्लिप इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे ये वाटर मार्क है उस वेबसाइट का। हमने इसको रिमूव करना है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, हमने इस वाटर मार्क के ऊपर ड्रॉ करना है, एक डब्बा सा आएगा, आपने इस डब्बे को इस वाटर मार्क के ऊपर सेट कर लेना है और यहाँ पे ये लेयर इस वीडियो के ऊपर मुकम्मल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने एक्सपोर्ट पे टैप करना है और यहाँ से 720 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ऐड आए तो आपने ऐड को क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी वीडियो मुकम्मल बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग इस तरह से किसी भी वीडियो के ऊपर वाटर मार्क है उसको एक क्लिक से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने होम पे टैप करना है और यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से इन तमाम ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर से वाटर मार्क को भी रिमूव कर दिया है, अब आपने इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, उसके बाद आपकी वीडियो मुकम्मल बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और यहाँ से मैं कैप कट की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं न्यू पे टैप करता हूं और यहां से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं जो यहां पे मैंने अभी वाटरमार्क रिमूव किया है। तो उस वीडियो को ऐड करने के बाद यहां बाद आपने इस वीडियो के लास्ट में आना है और यहां पे कैप कट का जो वाटरमार्क मिलता है इसके ऊपर टैप करके यहां से डिलीट कर देना है। उसके बाद यहां पे इस वीडियो के लास्ट में एक वाटरमार्क मिलता है जहां से हमने ये शॉर्ट वीडियो कन्वर्ट की थी, उसका वाटरमार्क भी हमने यहां से रिमूव करना है। तो आपने थोड़ा सा यहां पे आना है और यहां से आपने स्प्रेड करना है और यहां से इस क्लिप को रिमूव कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के एंड में वाटरमार्क भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने फिल्टर पे आना है और यहाँ पे एक अच्छा सा फिल्टर कोई ऐड कर लेना है। जैसा कि यहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा फिल्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर टैप करना है और यहाँ पे कुछ कलर की एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे जो मैं कलर एड कर रहा हूँ तो आपने भी ये कलर एड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर टैप करना है और वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको HDR का इफेक्ट मिलता है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और ये वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपने इस इफेक्ट के ऊपर दोबारा से टैप करके यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, थोड़े से इफेक्ट जो है वो जहाँ पे काम थोड़े कर लेने हैं, सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना और इस लेयर को इस वीडियो के ऊपर मुकम्मल ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो आपकी बन के तैयार हो चुकी है। और अगर आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को आपने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पे आपकी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने वीडियो को सेव करना है, तो आपने 720 पे टैप करके 1080 पे टैप करना है और इसी तरह से यहाँ पे हाई कर देना है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे टैप करना और यहाँ पे आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग इस तरह से वीडियो को एडिट करके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री।